इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। कश्मीर में विकास की धारा बह रही है, कश्मीर में अमन चैन कायम है, लेकिन दुनिया के दो मुल्क हैं, एक तो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान और दूसरा मुसलमानों का मसीहा बनने के चक्कर में अपनी अर्थव्यवस्था बर्बाद करने वाला तुर्की। अब कश्मीर के लोगों की खुशी इन दोनों देशों को हजम नहीं हो रही। इस साजिश के बारे में जैसे ही भारतीय खुफिया एजेंसी को खबर मिली, तुरंत वो हरकत में आ गए। चलिए अब जानते हैं कि क्या है तुर्की की कश्मीर में रची गई वो साजिश, जिसे सुनने के बाद न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान तुर्की के राष्ट्रपति और आतंकियों के कर्ता धर्ता इमरान खान पर थू थू करेंगे। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की मदद से ISI भारतीय मुसलमानों में अपनी पैठ बढ़ाना चाह रहा है और भारत की विदेश नीति के बारे में संदेह पैदा करना चाहता है, और इसके लिए तुर्की ने कश्मीरी पत्रकारों को नौकरी दी है। और तो और, कश्मीर समेत भारत के अन्य हिस्सों में रह रहे मुसलमानों को बड़े पैमाने पर स्कॉलरशिप भी दी जा रही है ताकि उनको देश के खिलाफ किया जा सके। तुर्की सरकार और उसके अन्य मीडिया संस्थान, शैक्षणिक संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों के जरिए भारतीय मुस्लिमों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रही है। अब आप सोचिए कितने निचले स्तर पर गिर गया है तुर्की कि वो भारत विरोधी गतिविधियों का नया केंद्र बनकर उभर रहा है, जिसे ISI बढ़ावा दे रही है। हालांकि ये सिर्फ कश्मीर में ही साजिश नहीं करते, क्योंकि इन दोनों देशों की रोटी भारत के कश्मीर से ही चलती है। इस रिपोर्ट के बाद भारत सरकार का एक्शन बड़ा खतरनाक माना जा रहा है, और इस बार तो इमरान खान और एर्दोगन मुंह नहीं छिपा पाएंगे। इससे पहले पाकिस्तान और उसके यार तुर्की इन दिनों लॉबी करते दिख रहे थे ब्रिटेन में। दरअसल ब्रिटेन में तुर्की से जुड़ी एक लॉ फर्म है जिसका नाम बताया जा रहा है स्टोक वाइट। इसने 2000 लोगों के बयान वाली 40 पेज की एक रिपोर्ट को लंदन पुलिस को सौंपी है, और इसके अंदर उन्होंने अपील की है कि भारतीय गृह मंत्री अमित शाह और सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे को दोषी बताते हुए उन पर कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। जो ये रिपोर्ट बनाई गई है वो ओवरऑल आतंकियों पर बनाई गई है। जरूर आप भी आश्चर्य में पड़ गए होंगे, उस आतंकवादी का नाम है जिया मुस्तफा। इस आतंकी को न तो पाकिस्तान आतंकी मानता है और न ही तुर्की। ये दोनों देश इस खूंखार आतंकी को फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं। भारत का कहना था कि ये लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी था और ये मास्टरमाइंड था भारत के अंदर 24 कश्मीरी पंडितों की हत्याकांड का। ये भारत के अंदर डिस्ट्रिक्ट कमांडर था लश्कर-ए-तैयबा का, और इसी आतंकी के परिवार के बयान को दर्ज करके ब्रिटेन के अंदर ये भी आर्मी चीफ और भारत के गृह मंत्री को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। खैर, इमरान खान और एर्दोगन कश्मीर के लोगों के अमन चैन छीनने की चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन भारत जानता है कि कैसे करना है इन दोनों नापाक मुल्कों का इलाज। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।